साइकोलॉजी के अनुसार यदि ग्रुप में लोग किसी बात को लेकर हंस रहे होते हैं तो हर कोई हंसते समय उस व्यक्ति को देखता है जिससे वो प्यार करता है। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि आई लव यू बोलने का अधिक असर तब पड़ता है जब इसे बाएं कान में बोला जाए। साइकोलॉजी के अनुसार जब आप बोलते कम हैं और सुनते ज्यादा हैं तो लोगों के बीच आपकी लोकप्रियता बढ़ती चली जाती है। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी उसे पूरी तरह से मत बताएं कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं। ये एक सच्चाई है कि अगर सामने वाले व्यक्ति को जिस दिन ये समझ में आ गया कि आप उसके बिना नहीं रह सकते, उस दिन से वो व्यक्ति आपको सीरियसली लेना छोड़ देगा। मनोविज्ञान के अनुसार अगर आप एक हफ्ते, एक महीने या फिर एक साल खुद के बारे में या फिर दूसरों के बारे में निगेटिव नहीं बोलते हैं तो आपकी लाइफ दूसरों की तुलना में तेजी से बदलने लगेगी। साइकोलॉजी के अनुसार आपका दुख सुनने में अगर किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है तो हर एक के सामने अपना दुख साझा ना करें, खुद की समस्या खुद ही हल करें। साइकोलॉजी के अनुसार आपको या आपके दिमाग को ऐसा लगता है कि कोई आपको यदि धोखा दे रहा है तो सामान्य तौर पर ये 75% सच ही होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसी शक्ति होती है जो हमारे जीवन में चल रही असामान्य गतिविधि को पहचान लेती है। साइकोलॉजी के अनुसार आप कभी भी दूसरों को नहीं बदल सकते, आपको सिर्फ अपने आप पर ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप खुद को असल में बदलते हैं तो लोग क्या परिस्थिति भी अपने आप बदल जाएगी। साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई व्यक्ति आपको कोई चीज सिखाता है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, ऐसा करके आप उसका मनोबल बढ़ा सकते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई अकेला रहता है तब आपको अगर मिस करता है तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब वो बिजी है या फिर और के साथ एंजॉय कर रहा होता है तो भी अगर वो आपको मिस करता है तो इसका मतलब है कि वो आपसे सच्चा प्यार करता है। दोस्तों इनमें से कौन सा पॉइंट आपने अपनी लाइफ में महसूस किया है कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।